मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले पहले कमलनाथ के ऐलान ने ये जाहिर कर दिया, ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी किसी से कम नहीं है। कमलनाथ ने बता दिया कि पहले भी कांग्रेस जीती थी, आज भी कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि जगह जगह कमलनाथ के पोस्टर लगे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अधिकारियों को लेकर, तमाम जो है उपकरणों को लेकर, तमाम आयामों को लेकर कमलनाथ ने जमकर बीजेपी सरकार को घेरा। ये बता दिया कि अधिकारी क्या करते हैं, शिवराज सिंह चौहान क्या करते हैं और मध्य प्रदेश का वर्तमान स्तर क्या बचा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, कमलनाथ ने क्यों यहां पर जो है चर्बी वाली बात कह दी, आखिर क्यों कह दिया कि अधिकारियों को चर्बी चढ़ी है, पहले इस वीडियो को आप देखिए। और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, हमारे अधिकारीगण बहुत सारे में चर्बी चढ़ी हुई थी। ये सिस्टम बदलना था, ये सिस्टम बदलना था। जब मैंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सब ने मिलकर मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा तो मैं दूसरा ऑफिसर ढूंढ लूंगा। जब मैं गया नीमच मंडसौर अतिवृष्टि हुई, मैंने कहा हफ्ते भर में आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने देखा, मैं वापस आया, मैंने कहा हफ्ते भर में इनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये अधिकारी मुझे कहते हैं कि हम तो सर्वे कराएंगे, पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा। मैंने कहा मैं सर्वे करके आया हूँ, आप अब मैं पटवारी तहसीलदार के सर्वे से नहीं जानता। 7 दिन में अगर आपका मुआवजा नहीं बटा, मैं आपके कमरे में ताला लगा। ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे सामने चुनौती कौन सी नहीं थी, सबसे पहले सिस्टम को बदलना, कि लोगों में, हमारे अधिकारी वर्ग में, और मुझे कोई संकोच नहीं कहते, अधिकारी वर्ग को एक उत्साह हो, एक निष्ठा हो, और निष्ठा ऐसी हो कि उनको नींद ना आए अगर काम ना हो। तो ये सिस्टम बदलने की बहुत बड़ी चुनौती थी। आपके जब प्रतिनिधि मंडल में जो मिले थे, प्रतिनिधि 3-4 लोग, कोई संस्था के नहीं थे, आपके मंडल के नहीं थे, ऐसे ही आ गए, तो उन्होंने मांगे रखी। मैंने कहा मैं इस पर ज़रूर करूँगा, पर मुझे नहीं पता था हमारी सरकार चली जाएगी। सौदे से सरकार गई, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं पहचान मध्य प्रदेश की सौदे की राजनीति से नहीं बनाना चाहता था। मैं कुर्सी सौदे से नहीं बैठना चाहता था। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और सबसे बड़ी चुनौती आज प्रदेश में कृषि क्षेत्र को तो है, उसकी मैं जो करना है हम आगे करेंगे, पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में तड़प है कि वह उसको व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और शिवराज सिंह जी हर 10 महीने ऐलान करते हैं 1 लाख रोजगार मिलेगा 1 लाख लोगों को। मैं कहता हूँ जो रिक्त पद हैं, जो खाली पद हैं, उनमें तो भर्ती कर लीजिए, बाकी 1 लाख जोड़िए, ये नहीं करेंगे। पर शिवराज जी का मुकाबला कौन करे घोषणा में और झूठ से, कमलनाथ नहीं करेंगे। मैं उनका मुकाबला सच्चाई से करूंगा। ये नाटक नाचना गाना आप देखते होंगे टेलीविजन में, नाचने गाने में भी मैं उनका उनको नहीं हरा सकता, पर सच्चाई में मैं उन्हें हरा सकता हूँ। ये आज शिवराज सिंह जी घोषणाएं कर रहे हैं, इनको 18 साल बाद बहनें याद आई, इनको 18 साल बाद किसान याद आए, इनको 18 साल बाद शासकीय कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता याद आए। ये सब बातें जो आप कलाकारी से जनता का ध्यान मोड़ना और मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर कि आज उनमें बहुत समझ है, आज उसमें बहुत समझ है। जैसे ही मैंने घोषणा करी 500 रुपये गैस सिलेंडर की और 1000 रुपये 100 रुपये यूनिट माफ,
और 200 खाप शिवराज जी अब लग गए हैं, और मैंने कहा था कि हम 1500 देंगे, वो कहते मैं 3000। शुक्र है मेरे कहने पर उन्होंने 3000 तो कह दिया, वो तो मेरे कहने पर कहा, अगर मैं नहीं कहता तो ये 3000 भी नहीं कहते। जो मैं कहता हूँ उसको वो मुकाबला डबल करने की बात करते हैं। ये कलाकारी से क्या ये प्रदेश चल सकता है? चुनाव 4 महीने में है, ये चुनाव किसी उम्मीदवार या पार्टी का मैं कहता हूँ नहीं, ये चुनाव हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। कौन सी पटरी पर अपना प्रदेश चलना चाहता है ये तय करेगा। तो देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कमलनाथ ने राजनीतिक स्तर को सुधारते ही अपने भविष्य को बचाने के लिए कई सारे बड़े ऐलान तो किए ही हैं। इसके साथ साथ भाजपा को जमकर घेरा, भाजपा को उसकी औकात दिखाई और ये बता दिया कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव ठीक से लड़ा जा रहा है। क्योंकि प्रियंका गांधी की बात कर लो, राहुल गांधी की बात कर लो, सोनिया गांधी की बात कर लो, इन तीनों गांधियों को अगर अलग कर दिया जाए, परिवार को अलग कर दिया जाए, तो परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लो, वह भी लगातार कमलनाथ के चेहरे को महत्वपूर्ण चेहरा बता रहे हैं। कमलनाथ के चेहरे पर मध्य प्रदेश की पूरी कमान सौंप दी है। अब देखना यह पड़ेगा कि किस तरीके से कमलनाथ जो है शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट।